लेकिन अगर चाहे तो उसको ऊपर रखें, खाली डिपर जो रॉड है ना वो पानी में जाओ, पानी को डिस्टर्ब करें, पानी में जिस जगह हो जाएगी ना वहाँ का मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसकी वजह से आगे पीछे वाले सारे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एनर्जी कौन देगा, जो वेव बनेगी ना वो हर तरफ फैलेंगी, जो वेव बनती उन्हें बोलेंगे रिपेल्स बोलेंगे, सही। तो ये सवाल आपका लॉन्ग था, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी यही मात्र है, इसको आप कंप्लीट कर लें, इसको देख लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की खसूसियात, कि एक वेव अपने अंदर क्या क्या खसूसियात रखती है, जब हम एक वेव को पढ़ते हैं तो हम उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वेव से रिलेटेड पढ़नी है हमें। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ तो सबसे पहले क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वो आपको वैसे बता भी दिया था, एक बार यहाँ ज़रा दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, बुक में एम्पलीट्यूड को अलग से दिया हुआ, बट ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक में ही आता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड में क्या बताया था कि देखो, कोई वेव जैसे कि अगर ट्रांसवर्स वेव है तो उसका क्रस्ट जितना हाई बन रहा है, उसका ट्रफ जितना लो बन रहा है, यानी उस वेव की जो हाइट होती है, वेव कितनी ऊँची है, कितनी ऊँची लहरें हैं, जितनी ऊँची लहरें हैं तो जितनी ऊँची लहरें होंगी उतनी एनर्जी वाली लहरें होंगी वो, तो जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जैसे कि अभी इस रस्सी में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन अगले ही लम्हे इसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, तो ये डिस्टरबेंस आई है, तो ये जितना ऊपर उठी है रस्सी, ये इसका क्या हुआ, जी हाँ, ये इसका हुआ एम्पलीट्यूड। अगर रस्सी को ज़्यादा हमने वेव दिया है तो ऐसे उठ गया, तो जितना ऊपर उठेगा उतना ही नीचे जाएगा, तो लिहाजा अभी ये भी इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, जितना भी वेव ऊपर उठती है वो तो उसका डिस्प्लेसमेंट है कि भाई इतना ऊपर उठ गई है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठ सकती है, मैक्सिमम, यानी वर्ड यहाँ पे आता है मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ नोट कर लिया होगा, ये आपका आ गया, इधर था पेज नंबर 6 पे लिखा था, कहाँ पे था, एम्पलीट्यूड 4 पे लिखा हुआ था कि इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मेन पोजिशन। ठीक है, आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी दूसरा सीक्वेंस में, तो अब हमारे पास आता है टाइम पीरियड, ये भी हालेंगे पढ़ा हुआ समझा हुआ, एक बार दोबारा इसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड जो नहीं था वो भी देख लें, सिंबल कैपिटल टी, क्या बताया था, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि जब कोई वाइब्रेशन होती है, कोई ऑस्किलेशन होती है, कोई साइकिल मुकम्मल होता है, एक ऑब्जेक्ट जिस जगह से चलता है दोबारा चल के उसी जगह वापस आ जाता है ना, तो यानी एक साइकिल एक चक्कर वो मुकम्मल कर लेता है, वो साइकिल वो चक्कर जितने वक्त में मुकम्मल होता है, जितने भी वक्त में मुकम्मल हो उस वक्त को बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, जिस तरह से ज़मीन अपना एक दिन कितने टाइम पीरियड में मुकम्मल करती है, 24 घंटों में, ज़मीन अपना एक साल कितने टाइम पीरियड में मुकम्मल करती है, 365.3 बताया था, मतलब 365.3 दिनों में है, तो फिर बताया था कि इसी वजह से हमारे पास जो है वो एक लीप ईयर आता है। ठीक है, इस वाली बात को किसने समझा था, किसने नहीं समझा था, उसको देख लो, पहले बताओ टाइम पीरियड क्या हो गया, यानी ऐसा टाइम, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, एक मुकम्मल चक्कर। देखो ये जब एक सर्किल मुकम्मल होता है ना तो एक साइकिल पूरा होता है, एक सर्किल यानी यूं समझ लो, अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी के नीडल जो सुई होती है वो 12 से चल के दोबारा कहाँ पर आ जाए, 12 पर आ जाए, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल मुकम्मल हो गया, तो उसमें जितना उसको टाइम लगता है वही उसका होता है टाइम पीरियड। नाउ अब देखो, आपको कहा था कि ज़मीन अपना पूरा साल कितने दिनों में मुकम्मल करती है, 365.3। अच्छा, कहीं कहीं इसको 3 भी लेते हैं और कहीं कहीं इसको 3 नहीं तो 25 भी लिया जाता है, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था कि या तो साल इस पीरियड को या तो 3 साल पर डिवाइड करते हैं या 4 साल पर, तो लीप ईयर 4 साल का होता है, जो लीप ईयर है वो 4th साल में आता है, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अभी लीप ईयर आया तो ये पहला साल है, अब जो 4th साल होगा ना, जैसे पहला साल और पहले साल के बाद लीप ईयर कब आएगा, 4th साल में आएगा, जिसमें कहते हैं कि भाई 29 फरवरी जो है वो हर 4th साल आता है, 4th साल का मतलब है अगर 2020 में आया है ना तो 21, 22, 23 3 साल निकाल दो, 3 साल छोड़ दो, 4th साल में आएगा, 3 साल बिल्कुल खाली छोड़ दो, 4th साल में लीप ईयर आएगा, तो अब 4th साल का मतलब है हम 4 साल को गिनेंगे, तो एक दिन 24 घंटे का होता है ना, 24 घंटे को 6 पे डिवाइड करो कितने घंटे आते हैं,
24 आवर डिवाइड बाय 4 करो कितने आएंगे 6 आवर्स। 24 को 4 पे डिवाइड करो, 4 6 24, तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक के हिस्से में कितने घंटे आए, 6 घंटे। यानी जब हम 3 साल खाली छोड़ते हैं उसमें पहले साल में कितना घंटा मुकम्मल होता है, 6 घंटे, फिर अगले दूसरे साल में 6 6 12, फिर तीसरे साल में कितने, 18, चौथे साल में 24वां घंटा जब पूरा होता है तो एक दिन मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो वो हमारा लीप ईयर कहलाता है, ठीक है, उसको कहते हैं लीप ईयर। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे ज़मीन का जो चक्कर है वो 365.3 कह लो या 25 भी कह सकते हो, इतने यानी एग्जैक्टली 365 नहीं बोलेंगे, हैं उससे कुछ ऊपर ही है, तो ये वाली वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे कि इतने दिन होते, तो ये हमारे ज़मीन का हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब टाइम पीरियड पे जब हम हैं तो यहाँ पे जब इसको मेजर करते हैं तो याद रखना कोई भी टाइम हो उसका यूनिट हमेशा कौन सा होगा, सेकंड होगा, तो हमेशा अगर आवर में भी हो, मिनट में भी हो, एयर में भी हो, तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके कहाँ पे लेकर आएंगे, सेकंड में लेकर आएंगे, सही है। चलो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या बात की थी कि जिस तरह एक चक्कर कितने वक्त में लगा रहे हो ये टाइम पीरियड है, और कितने चक्कर लगा रहे हो एक सेकंड में ये कहलाती है क्या, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने चक्कर कितना टाइम, और टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर कितना टाइम। हाँ, टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर कितना टाइम, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने चक्कर कितने टाइम। तो जितने चक्कर जितने टाइम में लगाओगे उसका रेशो निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे या फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप 2 सेकंड में 4 चक्कर लगा रहे हो तो 4 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स। क्या होता है, हर्ट्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही, क्या लिखा है डेफिनेशन में, ऐसे लिखा होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, है ना भाई, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। भाई कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है, एक मुकम्मल कंप्लीट वाइब्रेशन या मुकम्मल कंप्लीट ऑस्किलेशन, एक चक्कर मुकम्मल होना, तो आप फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या वाइब्रेशन की जगह पे क्या बोल सकते हो, वेव्स, डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में चक्कर लग रहा है। आप देखो फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पे कहा गया यार 1000 वाइब्रेशन हुई हैं और टाइम लगा है 10 सेकंड, सही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, 100, यूनिट क्या होगा, हर्ट्स। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स है तो इसको हम यूँ पहचानेंगे कि वो एक सेकंड में कितनी वेव्स बना रहा है, 100। हाँ, तो 100 हर्ट्ज़ से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो एक सेकंड में 100 वेव्स बना रहा है, तो इसका मतलब है अगर वो 2 सेकंड तक चलेगा तो कितनी वेव बनाएगा, 200 वेव बनाएगा, जी हाँ। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 1/T। देखो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स कहलाता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन किस तरह से इन्वर्स रिलेट करते हैं, फार्मूला क्या है, F=1/T, ये इस फॉर्मूले को भी समझ लो, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि F × T=, ये देखो टी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जब कोई दो चीज़ें प्रोडक्ट में होती हैं तो उनके दरमियान रिलेशन होता है इन्वर्स। कैसा रिलेशन होता है, यानी अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। अच्छा मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट अपना एक चक्कर बहुत ज़्यादा टाइम में लगा रहा है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी, अगर वो अपना एक चक्कर बहुत देर से मुकम्मल कर रहा है, ऐसे बहुत स्लो स्लो मूव कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, हमें लगेगा वो स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन अगर वो एक चक्कर फटाफट काट रहा है ऐसे लाइक, तो टाइम कम ले रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक चीज़ कम है दूसरी चीज़ ज़्यादा है, ये रिलेशन क्या कहलाता है, इन्वर्स रिलेशन। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, यानी यूँ समझ लो कि अगर आप एक काम को करने में बहुत टाइम ले रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी, हाँ, और आप एक काम को करने में बहुत कम टाइम ले रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के
उलट होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो इनका रिलेशन होता है 1/T। या अगर मैं लिखूँ टी तो टी क्या होगा 1/ यानी दोनों एक दूसरे के उलट है, टी होगा तो 1/F और एफ होगा तो 1/T। ये हमारा इसका मामला हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट HERTZ हर्ट्ज़। सही है, ये हमारी तीन प्रॉपर्टी आ गई, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद वेवलेंथ पे आएंगे। चलो यहाँ तक पहले नोट कर लो, जो बात नोट करने की समझ लो। वेव लेंथ भाई, वर्ड वेव लेंथ से क्या समझ आता है? वेव की लेंथ, सिंपल सी बात है। वेव लेंथ का मतलब है वेव की। तो आप पेपर में सवाल आए डिफाइन वेव लेंथ, क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल दो नंबर जुगाड़ू तरीका है, ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, द वेव लेंथ को बोल दिया, द लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। ये तो कोई भी बता दे, ये तो कोई तो उर्दू पढ़ने वाले बता दे यार, ये तो यही था ऐसा मसला नहीं। हमें तो बताना है वेव लेंथ की साइंटिफिक डेफिनेशन है, फिजिकल डेफिनेशन की वेव लेंथ क्या होती है। भाई यकीनन लेंथ ना किसी एक मखसूस पॉइंट से दूसरे मखसूस पॉइंट तक का फासला होता है ना। अब जैसे कि एक शाहराह की लेंथ बताओ, शाहराह मतलब एक सड़क की, शाहराह मतलब शाहराह, अरे सड़क को बोलते ना, रोड को, हाईवे को, हाईवे को, हाईवे, हाई, मैं कहूँ हाईवे की लंबाई बताओ, तो हाईवे की लंबाई के लिए एक पॉइंट आप लोगे एक एंड से, एक पॉइंट लोगे दूसरे एंड से, दोनों एंड के दरमियान जो फासला होगा वो हाईवे की होगी लेंथ होगी, लंबाई होगी तो हाईवे की लेंथ होगी। तो इस तरह वेव लेंथ का मतलब सिंपल तो यही हुआ कि एक वेव की लंबाई। एक वेव का मतलब है जिसके अंदर एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो, या एक कंप्रेशन हो और एक रेयर फैक्शन हो, क्योंकि दो वेव्स होती है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं बोलूँ ट्रांसवर्स तो उसमें एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ, और मैं बोलूँ लॉन्गिट्यूडनल तो एक कंप्रेशन दूसरा रेयर फैक्शन, यानी जब एक सर्किल मुकम्मल हो तो हम बोलेंगे ये एक वेव लेंथ। एक कंप्लीट सर्किल की लेंथ को कौन डिफाइन करेगा? एक वेव लेंथ। तो अब देखो पहले यहाँ लिखी गई डेफिनेशन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन क्यों इसलिए करनी है, ये दोनों तरीकों से बताई गई है, ट्रांसवर्स वेव के लिए भी बताई गई है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी बताई गई है। देखो जब ट्रांसवर्स का जिक्र किया तो उसने जिक्र किया क्रस्ट और ट्रफ, जब उसने लॉन्गिट्यूडनल का जिक्र किया तो उसने बोला कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। सक्सेसिव का मतलब क्या है, वर्ड है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब यह है कि एक क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट आ जाए, एक ट्रफ के बाद दूसरा ट्रफ आ जाए, एक कंप्रेशन के बाद, अब मुझे बताओ एक क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट फौरन आएगा? नहीं, बीच में कौन होगा? तो इसका मतलब है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जब जाओगे तो एक क्रस्ट काउंट होगा दूसरा, सही है, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जाओगे तो पहले ये पहला वाला कंप्रेशन काउंट होगा, और दूसरे कंप्रेशन पे जब पहुंचोगे तो बीच में एक और चीज़ आ रही होगी, वो क्या होगा? रेयर फैक्शन। इसका मतलब है दो चीज़ें मिलनी चाहिए, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, क्रस्ट और ट्रफ, तो उसकी लंबाई को बोलते हैं क्या? वेव लेंथ। ठीक है, अब देखो, अब ये वेव बनाई हमने, अब बताए देखा जाए अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्या है? वेव लेंथ, जिसमें एक मुकम्मल क्रस्ट है दूसरा मुकम्मल ट्रफ है, सही है ना। तो अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा था क्रस्ट या ट्रफ, बताओ यहाँ से शुरू हो रहा था क्रस्ट, आप इसके जैसा दूसरा पॉइंट ढूंढो जहाँ से क्रस्ट शुरू हो रहा हो, वहाँ तक की लेंथ वेव लेंथ होगी। देखो अब यहाँ से आ गया हो, ये तो क्रस्ट बन रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्रस्ट ख़त्म हो रहा है और ट्रफ शुरू हो रहा है। अब यहाँ से ट्रफ शुरू हुआ, ट्रफ शुरू हुआ, ट्रफ शुरू हुआ, अब यहाँ से आओ, यहाँ ट्रफ ख़त्म हो रहा है और दूसरा क्रस्ट शुरू हो रहा है। तो देखो एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का फासला ही कहलाता है क्या? वेवलेंथ। अब यहाँ से अगर मैं एक और वेव बना दूँ, इसके आगे जोड़ दूँ, अच्छा आप बताओ कितनी वेव्स बनाई हैं, ये कितनी वेव्स हैं, कितनी वेव लेंथ है? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहाँ से क्रस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ट्रफ शुरू हो रहा है, फिर ये वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ से
क्रस्ट शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ पे ट्रफ है, फिर यहाँ पे क्रस्ट है, सही है। और फिर यहाँ पे कौन होगा, इस पॉइंट पे एक ख़त्म हो रहा है, एक शुरू हो रहा है। इस पॉइंट पे ख़त्म कौन हो रहा है, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट मैं किसके लिए बनाऊँगा, इस तरह ये क्रस्ट के लिए था, ये ट्रफ के लिए था, फिर ये क्रस्ट के लिए, तो यहाँ पे कौन शुरू हो रहा है, यहाँ पे ट्रफ, जिसको मैं क्रॉस से बना रहा हूँ, यहाँ ट्रफ शुरू हो रहा है। तो क्या क्रस्ट से ट्रफ की लेंथ वेव लेंथ है, नहीं। क्या क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की लेंथ वेव लेंथ है, सही है। अच्छा, क्या मैं कहूँ वेव लेंथ को काउंट करो लेकिन ट्रफ से शुरू करना, वेव लेंथ को काउंट करो लेकिन कहाँ से शुरू करना, ट्रफ से। तो ट्रफ से शुरू करोगे तो बताओ एक वेव कहाँ जाके पूरी होगी, अगर ट्रफ से शुरू करोगे तो ट्रफ पे ख़त्म करोगे, क्रस्ट से शुरू करोगे क्रस्ट पे ख़त्म करोगे। तो अगर आप ट्रफ से शुरू करते हो तो देखो पहला पॉइंट ट्रफ का, फिर दूसरा पॉइंट बीच में आएगा क्रस्ट का, फिर उस पॉइंट पे जाना जहाँ दोबारा कौन मिल जाए, ट्रफ मिल जाए। तो ये होता है सक्सेसिव पॉइंट्स के, क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ, ऐसे लेंथ को ही क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। और क्योंकि ये एक लेंथ है तो इसका यूनिट होगा क्या, मीटर, और इसका सिंबल होगा लैम्डा, क्या होगा, लैम्डा। लैम्डा कैसे बनाते हैं, ये रहा, हाँ ऐसे, ये आपका लैम्डा है, उल्टा वाई, वाई अपने सर के बल खड़ा होगा इस तरह से, तो लैम्डा है भाई, इसको पढ़ेंगे लैम्डा। ये किसको जाहिर करेगा, वेव लेंथ को, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। अच्छा, अब ये रीजन एक बना रहा हूं जिसमें पार्टिकल करीब करीब हैं, और ये एक रीजन है जिसमें पार्टिकल दूर दूर हैं। जी अब बताओ ये मैंने कौन सी वाली वेव बनाई है, ये वाली वेव मैंने कौन सी वेव बनाई है, ये है मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें ये जो करीब करीब वाला रीजन है ना, दबावा कंप्रेस, इसे कहते हैं कंप्रेशन, और खुला हुआ रीजन जो है रेयरफैक्शन, ठीक है। जिस तरह एक चीज़ ऐसे कंप्रेस एक्सपेंड होती रहती है, कंप्रेस हुई कंप्रेशन एक्सपेंड हुई रेयरफैक्शन। अब बताओ ये कितनी वेव बनी हुई है, एक आधी या डेढ़, ये कितनी वेव बनाई है मैंने लॉन्गिट्यूडनल की, सोचो। ये ब्लैक वाला कंप्रेशन है, ब्लू वाला रेयरफैक्शन है, फिर ब्लैक वाला दोबारा क्या है, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरे एंड तक क्या पूरी एक वेव है, ये नहीं, डेढ़ वेव है। तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा, ये देखो, ये बन, ये कबाब, ये बन, अब बन से पूरा बन कबाब बन गया ना, बन कबाब बनेगा तो डेढ़ वेव, और एक सिंगल बन और ऊपर कबाब, ये बनेगी क्या, यानी बन क्रस्ट है और कबाब ट्रफ है। अब बन कबाब तो फिर डेढ़ वेव हो गई, अभी देखो ये क्या है, बन कबाब बन, तो अभी ये कितनी वेव है, ये डेढ़ वेव है। इसकी एक वेव कहाँ पूरी हो रही है, कंप्रेशन से शुरू करो, कंप्रेशन पे, कंप्रेशन जहाँ शुरू हो रहा है, कंप्रेशन यहाँ शुरू हो रहा है ना, यहाँ से चलो उस पॉइंट पे जहाँ दोबारा कंप्रेशन शुरू हो रहा हो, तो यहाँ तो कंप्रेशन ख़त्म हो रहा है ना, कंप्रेशन जहाँ शुरू हो रहा था वहाँ से वहीं जाओ जहाँ एक और कंप्रेशन शुरू हो रहा हो। तो बेटा यहाँ से कहाँ तक की होगी, ये एक वेव होगी ना, ये वाली, ये इसका नहीं होगा है, क्योंकि वो डेढ़ में काउंट हो जाएगा फिर वो, क्योंकि फिर यहाँ से तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ कौन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर रेयर फैक्शन यहाँ से शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप रेयर, जहाँ से रेयर फैक्शन शुरू हो रहा है वहाँ से वहाँ तक जाओ जहाँ एक और रेयर फैक्शन शुरू हो रहा है, तो ये होगी क्या, एक वेव। जहाँ से कंप्रेशन शुरू हो रहा है वहाँ से दोबारा उस पॉइंट पर जाओ जहाँ दोबारा कंप्रेशन शुरू हो रहा हो, वो क्या होगी, एक वेव। लेकिन अगर एक कंप्रेशन आ जाए, एक रेयर फैक्शन आ जाए, फिर एक कंप्रेशन आ जाए, पूरा कंप्लीट कंप्लीट बन कबाब की तरह, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेढ़ वेव। तो डेढ़ वेव तो फिर वो 1.5 मीटर लाइक कुछ इस तरह हम बोलेंगे। तो एक वेव का मतलब है एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक कंप्रेशन एक रेयर फैक्शन, ये इसको एक वेवलेंथ कहते हैं। चलिए
चलो अब इसके बाद एक इसी का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का कंप्लीट होगा। अब आते हैं वेव स्पीड पे। बज़ाहिर ये वाला सवाल कि वेवलेंथ क्या है और एक फार्मूला ड्राइव करना है, वो इस साल पेपर में पूछ लिया है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको पढ़ें और करें उसको, तो करते हैं। ठीक है ना, तो सवाल आता है जिसमें ऐसा लगा कि डिफाइन वेवलेंथ, तो आपने वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख दी, एंड ड्राइव द रिलेशन, फार्मूला ड्राइव करना है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला होता है वेव स्पीड का, किसका? देखो जो चीज़ मूव करती है, ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड भी होती है, तो लिहाजा वेव जिस रफ्तार से बढ़ेगी वो ही होगी क्या? तो अगर आपके पास सवाल आए कि डिफाइन वेव स्पीड, तो क्या डिफाइन करोगे? द स्पीड ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव स्पीड। ये बिल्कुल ही घटिया जवाब है ना, बता दिया था ना वैसे, तो लिहाजा ये तो कोई भी बता देगा कि भाई वेव की स्पीड, वेव स्पीड कहलाती है, ये नहीं बताना इसके इसके पीछे की लॉजिक कि किस तरह से वेव की स्पीड कंप्लीट होगी। तो याद रखेंगे कि रफ्तार का मतलब होता है कितने वक्त में कितना फासला तय किया जा रहा हो। तो एक वेव कितने वक्त में कितनी वेव लेंथ कंप्लीट करेगी अपनी, एक कितने टाइम में कितनी वेव बन रही है, यूँ समझ लो, या कितने टाइम में वेव कितना फासला तय कर रही है, वही हमारी क्या होगी? वेव स्पीड होगी, है ना। तो क्या लिखा है देखो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव। एक वेव पे मौजूद एक पॉइंट है, ठीक है, जो वेव पे मौजूद है, यानी वो आगे बढ़ रहा है वेव के साथ साथ, सच एज क्रस्ट, या फिर वो ट्रफ भी हो सकता है, इन अ गिवन इंटरवेल ऑफ टाइम। एक वेव पे मौजूद कोई भी पॉइंट, चाहे वो क्रस्ट पे हो या ट्रफ पे हो, वो कितने टाइम में कितना फासला तय करेगा, ठीक है ना। जैसे कि जब वेव आगे बढ़ती है ना, तो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये क्रस्ट था, ये ट्रफ था, तो फिर दोबारा इधर बनेगा क्रस्ट, तो ये क्रस्ट आगे बढ़ जाएगा, यानी ये क्रस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्रस्ट ने कोई फासला तय किया ना, क्रस्ट इधर से पॉइंट वन से पॉइंट टू पर आ गया, तो क्रस्ट यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेगा? देखो वेव आगे बढ़ रही है ना, तो पहला क्रस्ट दूसरा बन रहा है, दूसरा तीसरा बन रहा है, तीसरा चौथा, यानी क्रस्ट आगे बढ़ रहा है, तो क्रस्ट किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ट्रफ किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या है? हमारी वेव स्पीड है, सही है। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। देखिए ये छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, देखो आप हेडिंग बनाएंगे क्या, आप आगे नीचे हेडिंग बना लेंगे क्या, डेरिवेशन। सवाल कुछ ऐसे आएगा, बोलेगा डिराइव करो फार्मूला, वो फार्मूला होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा, या वो ऐसे भी आ सकता है कि लैम्डा इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये इस साल पूछा था पेपर में, ठीक है, और अमूमन ऐसे पूछता है, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन वही बात है, हमेशा इस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन पिछली बार इस तरह से पूछ लिया था, तो जिसने समझ के किया था उसने तो पेपर में सही करा है, लेकिन जिसने रट्टे लगाए हुए थे उसने यही करा है, क्योंकि उसको नहीं समझ आया था कि इससे ये कैसे बनाएंगे। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, v इक्वल टू एफ लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, इस तरह से। देखो भाई अब यहाँ पे कोई ज़्यादा वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जैसे बुक में काम हो वैसे कर सकते हैं। आपको पता है सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं एज वी नो, मुझे बताओ सबको याद होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, स्पीड यानी वी डिस्टेंस अपॉन कितने वक्त में कितना फासला एस अपॉन टी। अब इसमें वी का मतलब है स्पीड, एस का मतलब नहीं, एस का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, और टी का मतलब टाइम। इस फॉर्मूले को वेव के लिए कैसे लिखूँगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या, फॉर वेव मोशन। जब बात करें किसकी, वेव मोशन की, तो देखो वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा वेव स्पीड, और एस को मैं क्या लूंगा, लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, वेव। देखो एस यानी एस का मतलब था डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लंबाई तो होती है, तो यहाँ पे जब डिस्टेंस एस होता है तो वेव के लिए वो डिस्टेंस एस नहीं क्या इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा, लैम्डा का मतलब है वेव लेंथ, सही है। और सिंपल टी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, टी बराबर हो जाएगा कैपिटल टी के, और वो कहलाएगा क्या,
टाइम है ना। देखो अब वही बात है ना, कितने टाइम में कितनी वेव बन रही है तो कितनी वेव आगे ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा ना वो छोटा टी नहीं होगा बल्कि बड़ा टी होगा, और या बड़े टी का मतलब होगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो वेव्स के लिए वी का मतलब है वेव स्पीड, एस का मतलब है लैम्डा, लैम्डा यानी वेवलेंथ, और छोटे टी की जगह बड़ा टी यानी कि वो होगा टाइम पीरियड। ठीक है, अब आप इस वाले फॉर्मूले को उठाओगे जिसको मैंने यहाँ लिखा था, भले आप इसको नंबर वन ही नाम दे दो, आप दोबारा इसको उठाओ। अब यहाँ वी की जगह क्या रहेगा, वी रहेगा, एस की जगह पर क्या रहेगा लैम्डा, और छोटी टी की जगह आ जाएगा बड़ा टी। सही, अच्छा अगर आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है, सबसे पहले ये बनेगा, अगर ये बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली लैम्डा को यहीं छोड़ देंगे, टी जाके वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो वी बराबर हो जाएगा, सॉरी लैम्डा बराबर हो जाएगा वी मल्टीप्लाई बाय, ये वाला तो बन गया, अगर आपको ये बनाने को दिया है तो ये बन गया फॉर्मूला। और अगर ये वाला बनाने को देता है तो इसको और करके यूं भी समझ लेते हैं, अगर वो ये वाला बनाने को देगा तो आप दोबारा उठाएंगे यही, इसी को उठाएंगे, मैं ये दोबारा ये स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, यानी कि मैं ये दोबारा स्टेप ऐसे लिखा कि वी इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सही, आप यहाँ समझना, मैं वी को ऐसे छोड़ूंगा, लैम्डा और साथ में लिखा था ना टी डिवाइड में, मैंने इसको ऐसे अलग करके लिख दिया, ये वाली बात समझ आ रही है। देखो यहाँ ध्यान दो, टी जो है ना वो लैम्डा से डिवाइड हो रहा था, तो वो अभी भी डिवाइड में ही है, लेकिन बस मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिखा उसको, सेपरेट ऐसे करा कि ऊपर से एक वन अलग कर लिया, दोबारा मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि अगर वन अपॉन टी आएगा यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स, वो क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। वन अपॉन टी का मतलब एफ और वन अपॉन एफ का मतलब, तो अभी हम बताएंगे, हम क्या बताएंगे कि एज वन अपॉन टी बराबर किसके होता है, किसके बराबर होता है एफ के। तो जहाँ वन अपॉन टी लिखा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी इक्वल टू लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा एफ। तो इसको आप पलट के यूँ लिख दो, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, दोनों फार्मूले बन गए। अब दोनों को नोट कर लो, जो पूछेगा बस इस इक्वेशन का काम है असल में, इससे ये बनेगी इससे ये बनेगी, दोनों तरीका आपको आने चाहिए, दोनों नोट कर लो। अभी इसके आगे न्यूमेरिकल भी होंगे इसमें। पहले बात करते हैं लाइट वेव्स की, ठीक है। अच्छा, अगर लाइट वेव्स हम तक पहुंच रही हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अच्छा जब लाइट की बहुत सारी वेव्स हम तक आ रही हैं और वो बहुत दूर से आ रही हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो सारी लाइट वेव्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के। अब जिस तरह एक बल्ब या सेवर से जब रोशनी निकलती है तो वो इस तरह फैलती है हर तरफ, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, इधर भी फैलेगी, और चौथा मार करोगे तो मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ भी फैलेगी, मतलब चारों तरफ फैलती है ना रोशनी। मतलब जब किसी बल्ब से, किसी सोर्स से रोशनी निकलती है तो हर तरफ फैलती है। अभी जिस तरह अभी ये फैल रही है तो ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन जब ये बहुत दूर तक चली जाएगी ना, तो बहुत दूर जाने के बाद ये लाइट रेज इस तरह से हो जाएंगी, कैसी, पैरेलल, कैसी हो जाएंगी, यानी जब किसी सोर्स से निकलती है ना तो फौरन पैरेलल नहीं होती, वो हर तरफ फैल रही होती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत दूर से आ रही हैं तो हम ये मानते हैं कि वो तमाम लाइट की रेज एक दूसरे की सारी क्या हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल का मतलब यूँ हो गया कि मैंने एक लाइट वेव ये बनाई, ठीक है, इस तरह इसके साथ या इसके बराबर वाली बना रहा हूँ, मान लो इसके बराबर वाली है, या इसके नीचे भी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं तो एक साथ बना दी सारी, ये सारी वेव कैसी हैं, पैरेलल वेव्स नहीं, सारी कैसी हैं, पैरेलल। अब आप क्या करेंगे कि तीनों के क्रस्ट से एक इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब है तसव्वुराती, हकीकी नहीं, एक इमेजिन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये आप एक एक लाइन ड्रॉ कर लें जिसमें सारों के क्रस्ट उस लाइन पर आ रहा हूँ, यानी उन सबके क्रस्ट उन लाइन पर आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्रस्ट के साथ रफ आ रहा हूँ, नहीं, उस लाइन के ऊपर सबके क्या है, क्रस्ट हैं। अच्छा, इस तरह एक लाइन या और बना लो भले, वो भी सारे के सारे क्या हों, सारे क्रस्ट हों। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइट वेव एक खिड़की में से निकल रही हैं, एक विंडो में से निकल रही हैं, एक मखसूस एरिया में से पास हो रही हैं, तो इसको आप ऐसे कंप्लीट ज्वाइन कर दो, ये एक प्लेन बन गया, प्लेन का मतलब है एक खिड़की बन गई और उस खिड़की में से निकल रही हैं
लाइट वेव। जैसे आप विंडो खोलते हो तो विंडो से रोशनी अंदर आती है, तो मान लो ये विंडो है और विंडो के अंदर से रोशनी अंदर आ रही है, तो वो लाइट वेव जिस प्लेन में से, जिस हिस्से में से अंदर आ रही हैं, ये जो प्लेन मैंने बनाया है यही कहलाएगा क्या? वेव फ्रंट। यानी फ्रंट ये एक सामने वाला हिस्सा जिसमें से रोशनी अंदर आ रही है, इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। कैसा है? प्लेन से मुराद है, जैसे आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो तो मिरर बिल्कुल प्लेन होता है ना, उसमें कोई गोलाई नहीं होती, कोई कर्व नहीं होता, बिल्कुल प्लेन सीधा। तो ये भी बिल्कुल क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। ये वेव फ्रंट है, लेकिन कैसा वेव फ्रंट है? इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो देखो, वेव फ्रंट क्या है? जब मुख्तलिफ लाइट की वेव्स एक साथ ट्रेवल कर रही हों और हम उन सब के क्रस्ट को ज्वाइन कर दें एक इमेजिनरी लाइन से, इस तरह मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, फिर दोनों को ऐसे मिला दिया, तो ये जो एक प्लेन बना है इसी को बोलूँगा मैं क्या? प्लेन वेव फ्रंट। सही है। अच्छा, आप ज़रा डेफिनेशन को पढ़ो, डेफिनेशन से आपको क्या बात समझ आती है? देखो, द वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव दैट जॉइन ऑल पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज, जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जो सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब है सारे क्रस्ट हों या फिर सारे के सारे ट्रफ हों। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। अ वेव फ्रंट इज यूजुअली ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल वेव क्रस्ट, ये वाली लाइन भी बता दी क्या कि एक जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनता है? इज यूजुअली ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल वेव क्रस्ट, ये सारे वेव क्रस्ट को एक साथ ज्वाइन कर दिया, वेव फ्रंट। और दूसरा क्या आएगा? सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट। सही। अच्छा, यहां से ये लाइट वेव एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और इसी तरह से एक ऐसे जा रही है। क्या ये तीनों पैरेलल हैं? ये फैल रही हैं, स्कैटर हो रही हैं। अगर अब मैं इन तीनों के क्रस्ट से क्रस्ट को मिलाऊंगा तो क्या एक प्लेन स्ट्रेट लाइन मिलेगी या एक कर्व मिलेगा? हाँ, वैसे देखो, इसके क्रस्ट से, मान लो इसके क्रस्ट से मैं मिला रहा हूँ इसका क्रस्ट, और फिर उसके क्रस्ट से मिला रहा हूँ उसका, सारे क्रस्ट जब मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही बल्कि क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है। अब इस तरह मैं सारी वेव्स को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। तो यानी जब वेव पैरेलल नहीं होती तो सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है, और जब वेव पैरेलल होती हैं तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट बनता कैसे? कि क्रस्ट से क्रस्ट मिलाओ या ट्रफ से ट्रफ मिलाओ, है ना? अच्छा, अब मैं सिर्फ ट्रफ से ट्रफ मिला के देख रहा हूँ। अच्छा, अभी क्रस्ट से क्रस्ट को मिलाते हैं, ये सॉरी ट्रफ, सारे ट्रफ एक लाइन में हो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और दूसरी, ये जो दो लकीरें बनाई हैं, ये दो लकीरें क्या हैं? जो ट्रफ से ट्रफ को मिला रही हैं, ये दोनों लकीरें क्या कहलाएंगी? प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, इस तरह अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे ऐसे, तो फिर आपके पास पूरा ये एक सरफेस एरिया बन जाएगा जो एक प्लेन मिरर की तरह होगा। समझ गए ना ये वाली बात? तो ये आपका कौन है? प्लेन वेव फ्रंट। और इसी तरह अगर ये प्लेन नहीं होगा, इसमें ऐसा कर्वेचर आ जाएगा, गोलाई आ जाएगी, जिस तरह आप एक कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, ऐसा कर्व मिरर जो होता है, मिरर गोलाई होती है उसमें, अगर इसमें गोलाई आ जाए तो गोलाई आने का मतलब है वो वेव फ्रंट कैसा होगा? कैसा होगा? सर्कुलर या स्फेरिकल। तो स्फेरिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट कब बनेगा? जब वेव्स कैसी होंगी? नहीं, वेव्स पैरेलल होंगी या स्कैटर कर रही होंगी, स्कैटर का मतलब फैल रही होंगी, स्कैटर कर रही होंगी, है ना? बिल्कुल। किस तरह से? एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। समझ आ रही बात? अब ये वेव्स क्या कर रही हैं? ये हर तरफ फैल रही हैं। जब आप इन सब के क्रस्ट से क्रस्ट को मिलाओगे,
तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा, है ना। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? यानी सबके क्रस्ट से क्रस्ट को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो इमेजनरी लाइन होगी वो सीधी तो नहीं होगी, वो प्लेन तो नहीं होगी, वो कैसी होगी? सर्कुलर में होगी हमारे पास। सही है। तो यानी कि जब रोशनी अपने सोर्स से निकलती है ना, सोर्स से जब निकलती है तो उस वक्त उसका जो क्या बोलता हूँ, वेव फ्रंट होता है ना, वो ऐसा गोलाई में होता है। जिस तरह आप देखते हैं ये बल्ब जो होता है, बल्ब का जो कवर होता है गोल होता है ना ऐसा, तो गोल से मुराद है वो रोशनी हर तरफ फैल रही है। वो जो सेवर का वो जो कवर है वो आप क्या अज्यूम कर लें, वो है आपका स्फेरिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट। और अगर बिल्कुल चपटा प्लेन है, प्लेन बिल्कुल प्लेन, और उसमें से रोशनी निकल रही है, तो वो कैसा हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। बस जिसमें से रोशनी सामने की तरफ आपके आ रही है, वेव्स निकल रही हैं उसके अंदर से। सही है। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास। अब इसमें आगे मजीद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव ये कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बुक कहाँ है जो मेरे पास नहीं है? नहीं, अभी तो चलेगी। चलो अब अगली बात हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स।